नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सम्मानित किया गया। हरियाणा सरकार को एक बार फिर से एक और उपलब्धि हासिल करने हेतु सम्मानित किया गया है। यह सम्मान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को उनके निवास स्थान पर दिया गया। राज्य सरकार के अंतर्गत चल रहे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड हरियाणा को 6 मिनट के लिए गीता श्लोक पाठ को एक साथ 18,000 छात्रों के माध्यम से उच्चारण किए जाने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा दर्ज किया गया था, जिसके लिए प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया है उन्हें। वहीं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिनों में मॉरिशस में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया था और स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को विश्व स्तर पर मनाया जाए। इनके लिए हरियाणा सरकार पूर्णतः प्रयास कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विश्व स्तर पर जगह जगह आयोजित होगा। उन्होंने इस अवसर पर 48 कोष की वेबसाइट पर मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की। इस मोबाइल ऐप में कैथल, कुरुक्षेत्र, जींद, करनाल के 134 तीर्थ स्थानों की विस्तृत जानकारी होगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की गतिविधियों के साथ साथ स्थानीय पर्यटन तीर्थ स्थानों की जानकारी भी होगी। ऐप के माध्यम से श्रद्धालु तीर्थ स्थानों के रास्तों को रियल टाइम में वर्चुअल देख सकेंगे। आप देख रहे हैं पल पल की विशेष रिपोर्ट। मैं वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। इन्होंने इसको एक पहचान वर्ल्ड वाइड दी है कि 18,000 बच्चों ने जिस प्रकार से सामूहिक रूप से 18 श्लोकों का सामूहिक उच्चारण किया है और इनमें से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती की कल्पना 3 वर्ष पहले कबीर स्वामी ज्ञानानंद जी ने सभी रखी, तो उस समय सरकार की ओर से KDB की ओर से इस कार्यक्रम को ऑन किया गया कि हम इसको लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाएंगे। कुरुक्षेत्र हरियाणा का ही नहीं बल्कि इस देश का एक ऐसा पवित्र तीर्थ स्थल है, सांस्कृतिक एक नगरी है कि जिस पर देश और दुनिया के लोग आते रहते हैं। गीता का संदेश भी दुनिया में पहुंचे, इसके लिए हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय किया, तो बहुत देशों के लोग आए। लगभग अभी 1 दर्जन से ऊपर देश जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और एक अच्छा प्रसंग ये हुआ कि जब उन्हें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती है तो केवल भारत में ही क्यों, क्षेत्र में ही क्यों, वर्ल्ड वाइड दुनिया के देशों में भी होना चाहिए। तो मैं आभारी हूँ मॉरिशियस गवर्नमेंट का कि जिन्होंने सबसे पहले भारत के बाद मॉरिशियस में इस कार्यक्रम को इस फरवरी माह में 2019 किया। इनका कार्यक्रम बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल रहा और उसी की कंटिन्यूएशन में अब UK में 9-10-11 अगस्त को ये कार्यक्रम होने जा रहे थे अभी नेक्स्ट मंथ ऑनली। और जहाँ तक कुरुक्षेत्र के बारे में एक विचार ये है कि कुरुक्षेत्र को भी भव्य कुरुक्षेत्र, दिव्य कुरुक्षेत्र इस नाते से देश और दुनिया में इसका नाम बने, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के साथ साथ जैसे आरती का ये विषय आया, एक आरती इस प्रकार की होगी ब्रह्म स्वरूप पर। कई बार ग्रहण आदि होते हैं, उत्सव होते हैं, तो वहाँ उस समय देश में लोग आते ही हैं। अभी एक ज्योतिषर जहाँ एक बड़ा स्थान है जहाँ पर वास्तव में गीता का संदेश दिया गया था, तो ज्योतिषर पर एक लाइट एंड साउंड का एक अच्छा बड़ा कार्यक्रम हो गया ताकि लोगों के आकर्षण का वो केंद्र बने और बहुत जल्दी अगस्त में ही उसका उद्घाटन हो जाएगा।